हाय, दिस इज मी रंजन सिंह एंड वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल इंग्लिश तक। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल इंग्लिश तक में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि सर, गिव और लेट में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको एक रिकमांड करना चाहूँगा कि आप मेरे लेट का जो वीडियो है उसको देखिए। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेट वाले वीडियो का लिंक डालूँगा, उस लिंक को आप ओपन करके सारा कंसेप्ट आप पहले क्लियर कर लीजिए। वैसे आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन आपने पूछा है। तो बिना देर किए हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट और गिव में एक डिफरेंस है। लेट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी लेट के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि गिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है। दिस इज ओनली द डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है। बट इट हैज वन सिमिलैरिटी, इसमें एक समानता भी है। लेट के जस्ट बाद, लेट के तुरंत बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार गिव के जस्ट बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपको मैं ये बता रहा हूँ। ये सारे जो वर्ड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव केस मैंने लेट वाले वीडियो में भी डाला है, तो वहाँ भी आप देख लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूँगा, आप प्लीज़ उसे भी देख लेना। चलिए अब बात करते हैं लेट के कुछ एग्जांपल। जैसे और हाँ, दोनों वाक्य के अंत में दो तो आएगा। अभी देखते हैं लेट का यूज करके और उसमें क्या हम सीख पाते हैं और क्या आपको डिफ़िकल्टी आ रही है, आप ज़रूर कमेंट मुझे करना जिस तरह से अभी आपने किया है। चलिए, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, ये आपका फॉर्मूला है। अब मुझे जाने दो, लेट मी गो। उन लोगों को अंदर आने दो तो क्या होगा, लेट देम कम इनसाइड। हम सबको मूवी देखने दो तो लेट अस वॉच मूवी। सबको इंग्लिश सीखने दो तो लेट एवरीबडी लर्न इंग्लिश। तो ये था लेट का यूज। चलिए अब गिव का एग्जाम्पल देखते हैं। गिव का एग्जाम्पल जैसे मुझे किताब दो तो गिव मी अ बुक। मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है और जो बुक है यहाँ नाउन है। उन्हें एक पेन दो, गिव देम अ पेन, ठीक ना। अब आप बोल सकते हो सबको पैसे दो, गिव एवरीवन मनी। मुझे कुछ पैसे दो, गिव मी सम मनी। तो आप इसका प्रयोग आप करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में भी और भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई डिफ़िकल्टी होता है तो आप मुझे ज़रूर बताना प्यारे दोस्तों। एंड वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक कमेंट करना ये सब ना भूलें। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।